तो बेटा अब चलो, तुम भी उठ गए हो, तुम भी तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। जाओ या तुम पढ़ो अपने कमरे में और मुझे सोने दो सकून से। इस उम्र के लोग तो या तो मर जाते हैं या तो यतीम खाने चले जाते हैं। ना ही तो तुम मर रहे हो ना ही तो यतीम खाने जा रहे हो। तुम ऐसी औलाद से तो बेहतर है हम भी औलाद रहते। तेरा ही आसरा है। ये क्या हो गया अल्लाह, मेरे बेटे को क्या हो गया? बेटा कम से कम मोहल्ले वालों का तो ख्याल करो, इतनी जोर से तो नहीं खटखटाओ। बस भाई बस, मुझे नींद आ रही है। सही है ना, ज्यादा बात नहीं करनी मुझे। बेटा खाना वाना खा के सो जाते हैं। अरे सो गया हैदर अली, सो गए? हैदर अली मेरा बेटा। हैदर अली तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम किन लोगों के साथ बैठ रहे हो? अल्लाह मेरे बेटे को पूरी सोबत से निजात दिला। अल्लाह तू रहम फरमा इस पे। तीन बज गए, तहज्जुद का नमाज कटा वक्त हो गया, नमाज पढ़ लेता हूँ। यार लग रहा है मगरिब की नमाज मैंने हैदर अली के कमरे में पढ़ी थी, वहीं होगी टोपी। अरे भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ? बेटा नमाज का टाइम हो गया था तो टोपी तुम्हारे कमरे में रह गई थी, वो लेने आया था। तो भाई अपने कमरे में रखा करो ना, तुम तो हर थोड़ी बार कोई चीज उठाने मेरे कमरे में आ जाते हो, अपने कमरे में रहा करो। तो बेटा अब चलो, तुम भी उठ गए हो, तुम भी तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। जाओ या तुम पढ़ो अपने कमरे में और मुझे सोने दो सकून से। इस उम्र के लोग तो या तो मर जाते हैं या तो यतीम खाने चले जाते हैं। ना ही तो तुम मर रहे हो ना ही तो यतीम खाने जा रहे हो। तुम कम से कम यतीम खाने चले जाओ, मैं अपनी जिंदगी तो सकून से गुजार लूं। भाई कब तक अकेले जिंदगी गुजारेगा? 2 साल हो गए ऐसी शादी करने। अरे नहीं यार, जिंदगी अच्छी हो। अरे नहीं यार तानू, तुझे पता है जब दूसरी कोई औरत आ जाती है तो बच्चों को जो ना नहीं संभाल पाती। बस यही है अब जो भी जिंदगी है मेरी यार। बाबा मम्मा कैसे देखते थे, आपने उनकी एक भी फोटो में दिलाए। बेटा तुम्हारी मम्मा बहुत खूबसूरत थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम लोग जो कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमने कभी तस्वीर खिंचवाई भी नहीं, और खिंचवाते भी थे तो डिलीट कर देते थे। मैं तो बोलता था उसको कि जना भाई तुम डिलीट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही नजर लग जाए तुम्हारे बारे में। तेरा ही आसरा है। ये क्या हो रहा है अल्लाह, मेरे बेटे को क्या हो गया? अर्शी हम बे औलाद ही रहते तो बेहतर था, ऐसी औलाद से तो बेहतर है हम बे औलाद रहते, हम एक दूसरे के सहारे जी लेते। मेरा बेटा इस तरह से नहीं था, मैंने अपने औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं गवाया।
वीडियो का अंजाम ये अच्छा है? नहीं, ये अंजाम अच्छा नहीं है। क्यों औलाद जब बड़ी होती है तो माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देती है? क्यों भूल जाते हैं कि उसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इस माशरे में जीना सिखाया? क्यों औलाद बड़ी होती है तो ये सोचती है कि हम बहुत बड़े हो गए, अपने माँ बाप से भी ज्यादा बड़े हो गए? नहीं, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। हमारी वीडियो को गलत वे में नहीं लेके जाइएगा, हम सिर्फ अंजाम दिखा रहे हैं कि आजकल इस माशरे में ऐसा हो रहा है। तो लिहाजा प्लीज मैं आप सबसे इल्तिमास करता हूँ, माँ बाप से मोहब्बत करें, माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि अगर ये चले गए तो दोबारा नहीं आ सकते। बस इनसे प्यार कीजिए, मेरा यही पैगाम है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।